अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। तो कुछ पार्ट्स जो है वो मैं करूँगी, कुछ आप लोगों को जो है वो खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। मतलब एक क्वेश्चन को हमने दो मेथड से बारी बारी सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, और जो उसका पेरीमीटर है वो 150 के इक्वल है। हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस मीन लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई इज इक्वल्स टू 4x, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ है। अब अगर हम इस वाई को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये बन जाता है 4x - y इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। इसी तरह से हमारे पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर हमारे पास होता है एक रेक्टेंगल का 2 × x + y। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और वो हमारे पास इक्वल है 150 के। अगर हम 2 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x + y इज इक्वल टू 75। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। अब हम इन दो को उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया था। अब इन दो इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, ये वाली फर्स्ट और सेकेंड, इसके अकॉर्डिंगली हम ए एक्स और बी बना लेंगे। ए क्या होता है, इसके कोफिशेंट का मैट्रिक्स मीन्स 4 - 1, 1 एंड 1, और एक्स आपके पास हो जाएगा xy, और आपके पास बी हो जाएगा 0 और 75। अब हम इसे सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम मतलब कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1/a × b, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ गया है, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, हम इधर अल्टरनेट पोजिशंस कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद अब हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया इस तरह से कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 एंड द मैट्रिक्स 1 1 - 1 4 एंड द मैट्रिक्स बी। मतलब कि वो जो रिलेशन था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स की जगह पर एक्स वाई रख दिया। अब सिंपली इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद 1/5 आ गया। हमें इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75 एंड 300 और 1/5। हम जो है वो इसको, ये स्केलर है अंदर, ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एट द एंड आ गया 15 एंड 60। एक्स वाई इज इक्वल टू 15 एंड 60। कंपेयर करें तो एक्स इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 60। इट्स मीन एक्स वॉज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो है वो x आ गया 15 और y आ गया 60। इसी तरह से हम जो है वो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आएगा। क्रैमर रूल का मेथड हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कोफिशिएंट वाला, वो तो हमने इन्वर्जन मेथड में भी किया था। तो उसी तरह से निकाल के उसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्यों फाइंड आउट करने हैं, एक्स एक्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और इसमें हम फर्स्ट, ये वाली जो फर्स्ट होती है फर्स्ट कॉलम, इसको इग्नोर करके कॉन्स्टेंट वाला रख देते हैं 0.75, और इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट लेके आंसर निकाल लेते हैं। और जब ए वाई फाइंड आउट करना था तो हम सेकेंड वाले को, जो ये वाला सेकेंड वाला कॉलम है इसको इग्नोर करके यहाँ पर कांस्टेंट वाला मीन के 0 और 75 लिख देते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई का होता है ए डिटर्मिनेंट ए
वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एके टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं देयर डिफरेंस इज 3.5, वेयर इट्स पैरामीटर इज 67। वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 × x + y वाला, और हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, उसी तरह से लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है। लेंथ हमने यहाँ पर x ले ली, विड्थ हमने y ले ली, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 एंड 2 × x + y इज इक्वल टू 67। अब यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, यहाँ से हम सेकेंड बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास आगे x + y इज इक्वल टू 33.5। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएंगे और साथ में क्रैमर रूल लगा के यहाँ से जो है वो हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ए इनवर्स वाले फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ए इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स की जगह पर एक्स वाई रखा जो यहाँ से लिया था हमने, ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास बी भी हमने लिख दिया। अब हमने ये करना है कि हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे मैट्रिक्स को, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने उसी तरह से किया है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से सिचुएशन बनती है कि 1/2 3.5 + 3.5 33.5 हो गया, -3.5 + 33.5। तो यहाँ से हमारे पास आया 1/2 37 और 30। इंडिविजुअली डिवाइड कर दें क्योंकि कांस्टेंट बाहर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो अंदर भी होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो वो इंडिविजुअली हर टर्म के साथ होगा। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया 18.5 एंड 15। तो x हमारे पास 18.5 आ गया जिसे हम लेंथ लेके चले थे और y हमारे पास 15 आ गया। इसी तरह से अब हमने क्रैमर रूल देखना है। क्रैमर रूल का मेथड हमने पढ़ा हुआ है, उसी तरह से हमने जो है वो इसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लेना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद जब हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हम ax फाइंड करेंगे, ay फाइंड करेंगे। ax फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b वाले कॉलम से जो हमने यहाँ पर लिखा था उस कॉलम से, और इस तरह से हम ए वाई जब फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस बी वाले कॉलम से। तो अब हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा और ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 37 और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 30। अब एक्स हमें चाहिए तो एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो हमने 18.5 निकाल लिया। इस तरह से वाई हमने निकाला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और हमारे पास वाई आ गया। अब लेंथ हमारे पास आ गई एक्स 18.5 और विड्थ आ गई 15। तो हमने इस तरह से दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए लेंथ भी निकाली विड्थ भी निकाली। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि टू कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, मतलब उनका दरमियानी जो फासला है वो कितना है 600, देयर स्पीड डिफर्स बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 y किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। दो हमारे पास कार्स हैं जिनके दरमियानी डिस्टेंस हमारे पास 600 किलोमीटर है और उनके स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो डिफरेंट है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 hours, ठीक है। हमें स्पीड जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर। एंड लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमारे पास क्या है x, हम खुद से लेट कर लेते हैं। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट
कार इन फोर एंड हाफ इज़ इक्वल्स टू फोर एंड हाफ एक्स, क्योंकि ये स्पीड ऑफ द कार है और ये जो है वो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोर एंड हाफ एक्स, और इसको हम जो है इसमें एक्सप्रेशन को हम इस तरह से कर देते हैं कि 9/2 x किलोमीटर। उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल्स टू वाई एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार। ये भी उसी रूल से हमने जो है वो स्पीड को जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी हैव कि उनके जो दरमियानी डिफरेंस है ना वो क्या है, x-y = 6 है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वी हैव हमारे पास इस तरह से है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इज इक्वल्स टू 600 -123। मतलब कि हमने जो फर्स्ट उसका डिस्टेंस था उसमें से हमने बाद वाला जो है डिस्टेंस माइनस किया है, और उनकी जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड है वो इसके इक्वल लिख दिया हमने। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ये आगे 477। अब हमने इसको एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म देनी है, उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हमारे पास आ गया 9x+9y = this, मतलब कि 954। 9 कॉमन ले लें, x+y = 954, 9 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एट द एंड आ गया x+y = 106। एक हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी x-y = 6, और दूसरी हमारे पास ये आ गई है x+y = 106। तो ये जो है हमने दो इक्वेशंस फाइनलाइज कर ली हैं। अब इसके बाद जो है आपने उसी पैटर्न पे जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू सब फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह से इसमें करेंगे और दोनों की सेम आएंगी। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।